हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं हमारे जीवन के। नंदी पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, पांच पुष्प, पांच बेलपत्र, पांच दुर्वा और पांच पात्र, मतलब पांच लोटा, जम के बोलो जल, ये कोई साधारण नहीं है। पंच बेल पत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत। जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो पांच दुर्वा, पांच पुष्प और पांच लोटा जल, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक पुष्प, एक लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा पांच, पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर उस जल का आचमन करिए। पांच सोमवार या सात सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुमरुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की।